कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही जहां थाने पहुंचे सफाई कर्मियों ने कार्रवाई की मांग। प्राप्त जानकारी के अनुसार झांसी के महुरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सफाई कर्मियों के साथ एक युवक द्वारा कचरा उठाने के दौरान गाली गलौज और मारपीट की गई, जिससे नाराज सफाई कर्मियों ने आज एकत्र होकर कचरा वाहन लेकर कोतवाली पहुंच गए, जहां कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। तो वहीं कोतवाली प्रभारी ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है? भोले पवार, प्रांतीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ। आज आप लोग सभी एक होकर थाने आए हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है? मामला ये है कि उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी, उत्तर प्रदेश शासन से गाइडलाइन हुई थी कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग कर्मचारी लेगा। तो हमारा कर्मचारी स्वराज पुत्र अनिल कुमार कल सुबह जब कचरा कलेक्शन कर रहा था तो वृंद्रावन श्रीवास पुत्र लक्ष्मी प्रसाद ने गाली गलौज की और मारा पीटा भी, उसका मोबाइल तोड़ दिया। उसने कहा गीला कचरा अलग करो, सूखा अलग करो, तो उसने मना कर दिया। तो उसने कर्मचारी ने कहा कि भाई आप अलग अलग करके दीजिए, इसी बात उसने उस पर गाली वाली दी। अभी थाने के श्री क्या आश्वासन मिला है? थाने में उन्होंने कहा कि अभी उनकी प्रार्थना पत्र दे दिया है और कार्रवाई करेंगे। थाने सभी लोग कार्रवाई के लिए आए थे? कार्रवाई के लिए आए थे।